द सेकेंड क्वालिटी कंट्रोल टूल इज़ कॉज एंडैक्ट डाइग्राम कॉज एंड इफेक्ट डाइग्राम को हम फिश बोन डायग्राम भी कहते हैं इशिकावा डाइग्राम भी कहते हैं बेसिकली इफेक्ट जो हमारा रिज़ल्ट है और कॉजेज़ जो उस रिज़ल्ट को पैदा करने के लिए मुख्तफ़ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए काज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम्स बनाई जाती हैं बुनियादी तौर पर हमारा पर्पज़ ये है के रूट कॉज को तलाश किया जाए आम तौर कुछ शूट्स हैं और कुछ रूट कॉज होगा जिसकी वजह से प्रॉब्लम पैदा हो रहा है सिर्फ शूट्स की तराश खराश से या सिर्फ आप किसी दरख्त की कांट-छांट के ज़रिए मसले का हल नहीं कर सकते एक कॉमन सी एग्जांपल के अगर दरख्त की जड़ में घुन लग गया है तो फिर हमें दरख्त को रिप्लेस करने की ज़रूरत है तो इसी सिनेरियो में हम रूट कॉज एनालिसिस करते हैं कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम्स के ज़रिए सॉल्विंग ए प्रॉब्लम रिक्वायर्स क्लैरिफिकेशन ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप इफेक्ट जैसे रिजल्ट ऑफ वर्क मिसाल के तौर पे किसी जगह पर आपकी रिजेक्शन बढ़ती जा रही है या क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ हो रहे हैं या रिज़ल्ट टाइम पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे तो ये रिज़ल्ट हैं इसके लिए मुख्तलिफ़ फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं जैसे फैसिलिटीज़ मशीन्स मैथड ऑफ वर्क वर्कर्स मटीरियल्स पार्ट यूज ये सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल है इसी डायग्राम को फोर एम डायग्राम भी कहते हैं जैसे मैन मशीन मटीरियल और मेथड बाज़ात इन्हें फोर पीस की सूरत में भी मैंशन करते हैं जैसे पर्सनैल प्रोसेस प्रोसीजर्स वग़ैरह वगैरह तो मुख्तलफ कॉन्सेप्ट यही है कि मैथड ऑफ वर्क वर्कर्स यानि पर्सनैल या मैन मटीरियल या पार्ट यूज हम इन सब चीज़ों को या इनसे पैदा होने वाले जो काज़ हैं उनको रिव्यू करें और देखें कि हमारे रिज़ल्ट ऑफ वर्क पर कौन कौन सी चीज़ असरअंदाज हो रही है टू आप ए गुड वर्क रिज़ल्ट वी मस्ट आइडेंटिफाई द इफ़ेक्ट्स ऑफ वेरियस फैक्टर्स एंड डिवेलप मेजर्स टू इम्प्रूव द रिज़ल्ट अकॉर्डिंगली ये कॉज एंड इफेक्ट डाइग्राम की एक शक्ल है ये तमाम काजेज़ हैं जिन्हें हम मशीन पीपल इन्वायरमेंट मैथड मटीरियल मेजरमेंट इसमें और फैक्टर्स भी आप इन्वॉल्व कर सकते हैं जो मुख्तलिफ़ काज़ेज़ हैं जबकि ये हमारा प्रॉब्लम है इसे हम इफ़ेक्ट कह रहे हैं और इस इफ़ेक्ट को देखने के लिए जो मुख्तलिफ कॉजेज़ हैं उनको स्ट्रीम लाइन करते हैं अनसस्टमेटिक अप्रोच के बहुत सारी काज़ हमारे सामने होंगी अगर हम वन बाय वन सबको सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये टाइम लेंथ भी होगा बहुत ज़्यादा टाइम लेगा और शायद हम एक्चुअल कॉज को अगर ट्रिगर नहीं करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम सस्टेन करेगा वहीं का वहीं रहेगा लेकिन अगर हम रूट कॉज़ फाइंड आउट कर लेंगे इस एक्सरसाइज के ज़रिए इसके जरिए हम रीअरेंज करते हैं अपने आइडियाज़ को और एक सस्टमेटिक अप्रोच के ज़रिए रूट कॉज फाइंड आउट करते हैं कि वो कौन सी बेसिक वजह है जिसकी वजह से ये इफ़ेक्ट पैदा हो रहा है तो उस रूट कॉज के ज़रिए हम ज्यादा जल्दी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं कॉज एंड इफ़ेक्ट डायग्राम कैन ऑप्टेंड ए क्लियर क्लियर ओवरऑल पिक्चर ऑफ ए कैज़ुअल रिलेशनशिप कॉज को अगर हम रूट कॉज को ट्रिगर करेंगे तो मसाइल को हल कर लेंगे इसके लिए हम बाकायदा चार्ट्स की सूरत में इनको मेंशन करते हैं तमाम काजेज़ को मेंशन करते हैं उसके बाद उनके पॉसिबल सॉल्यूशंस को देखते हैं जो काम फौरी तौर पे कर सकते हैं उनको किया जाता है जो लॉन्ग टर्म में करने वाले हैं उनको उनकी प्लानिंग की जाती है प्रॉपर और रूट काज वो मसला जिसके ज़रिए आप तमाम मसाइल का हल कर सकते हैं तो कैन लिस्ट अप ऑल कॉजे टू आइडेंटफाई इम्पॉर्टेंट कॉजेज़ एंड कैन डिटर्मिन द डायरेक्शन ऑफ एक्शन यानी काउंटर मेजर करने के लिए इस वक्त आज हमें किस काम पे अमल करना है इसको देखने के लिए रूट कॉज एनालिसिस एक बहुत अहम क्वालिटी कंट्रोल टूल है